अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हाँ, ए है उल्लू, ये अब गुस्से में है, ये मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इसको रात को नींद क्यों नहीं और दिन को ये क्यों सोता है, ये वीडियो मुकम्मल में मैं आपको बताऊँगा। इंशाल्लाह आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। हैरान कन बातें इनकशाफ होती हैं, लेकिन इंसान को जहन होना चाहिए और सुनना चाहिए। ये एक दिन बहुत बड़ा रोया था जिस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी, और फिर ये हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहे और काफलों में साथ रहे, जो भी शहीद हुए उन सब में साथ रहे, और उनका खून होते हुए इसने देखा था, और खून होते हुए देखा था, खून के बाद इसने क्या कहा था अगली वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। आप अपना भी ख्याल रखिएगा और इन परिंदों का भी ख़ास ख्याल रखिएगा, कैद भी मत करना। खुदा हाफिज़। ये जोड़ा है जोड़ा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये है उल्लू, ये इसके साथ कौवे भी लड़ते हैं, इसके साथ सब परिंदे लड़ते हैं, लेकिन मैंने सुना है जहाँ पे ये होता है, ये वैसे तो गाढ़े जंगलों में वराने में होता है, लेकिन ये घर के करीब हैं, ये रह रहे हैं, ये तीन हैं, लेकिन ये मादा है, इसका नर जो है वो दूसरी साइड पे बैठा हुआ है, लेकिन ये इन्होंने इंसान से नफरत इनको क्यों है, ये भी मैंने सुना है, और इंसान से ये क्यों नफरत करते हैं ये भी आपको मैं बताता हूँ। ये इंसान के साथ मोहब्बत नहीं करते, ये इंसान को देखना नहीं चाहते, और इसलिए ये वीराने में रहते हैं, और वीराने में रहने के बाद इन ये जब हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम सफ़र पे थे तब ये पीछे पीछे साथ चले गए, और इन्होंने भी सफ़र करना शुरू कर दिया था। ये सब देख सकते थे, रात को भी देख सकते थे, दिन को भी देख सकते थे, लेकिन जब इमाम हुसैन का कत्ल हुआ तो इन्होंने अल्लाह से अपील की कि ऐ अल्लाह, तू करीम रब है, ये इंसानों से मेरी नहीं बनती, हमारी या तो आंखें निकाल ले या तो हमारी नस्ल को ख़त्म कर दे, और उसके बाद या तो हम इन्हें ना देख सकें। ये अक्सर वीराने में इसलिए रहते हैं, इंसानों से इसलिए दूर रहते हैं, ये दिन को नहीं देख सकते, ये रात को देख सकते हैं, इनकी अल्लाह ने सुनी थी, ये दिन को इंसानों को नहीं देख सकते, मगर करीब से देख सकते हैं, ज़्यादा करीब आ जाएँ, लेकिन ये दूर से नहीं देख सकते, और इनके देखने ना देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी नफ़रत आज भी इंसानों के लिए बरकरार है। आप क्या राय देते हैं। खुदा हाफिज़।